हेलो, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इन आर टीचर डिजिटल। और जैसा कि आप सबको पता है कि आर के जैन सब्जेक्ट का सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशंस लॉन्च हो रहे हैं अपने, तो उसमें मैकेनिक सब्जेक्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट को हम लोग दिखा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल क्वेश्चन 377 377 क्वेश्चन, ठीक है ना। और 377 क्वेश्चन में हम लोग इसको एक बार में नहीं कवर कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में 377 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। उसको मैंने पार्ट वाइज डिसाइड किया है और मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिक से अधिक सब लोग क्वेश्चन कितने क्वेश्चन तक रिटेन कर सकते हैं खुद को, वही उतना ही लेकर मैं चल रहा हूँ एक वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखना ये वीडियो सोल्यूशन आर के जैन के लिए है और आर के जैन का पूरा फुल 377 क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आपको प्रॉपर चाहिए, आर के जैन सोल्यूशन अगर एक बार आपने कर लिया तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। मैं आर के जैन को ही लेके नहीं चल रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिए सब लोग। मैं आर के जैन का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उससे रिलेटेड बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको मैं प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूँ। इससे आपको एक प्रॉपर चीज फायदा होगा कि सब्जेक्ट रिविजन भी आपको मिलेगा, बट उतना चीजें कवर नहीं होंगी भाई, जितने क्वेश्चंस होंगे उतने कॉन्सेप्ट कवर किए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बच जा रहे हैं उनको कवर करने के लिए आपको रिवीजन कोर्स का जो सब्जेक्ट है उसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन पर जितने रेलिवेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं वो सब मैं डिस्क्राइब करूंगा और बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन डिस्कशन होगा, कोई भी मजाक नहीं है, ध्यान रखना सब लोग, अच्छे ढंग से डिस्कशन होगा। तो हमें अपनी कॉपी अच्छे से बना लेनी है कि हर क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी तरह से आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल क्वेश्चन 1 to 30 क्वेश्चन, ध्यान रखना सबकी बुक सेम है, ठीक है, और उसमें 1 से लेकर 30 तक जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको हम लोग लेके चलेंगे। इसमें मैं अभी एक दो वीडियोस आपको दे रहा हूँ, इसमें आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको मैं वैसे पूरे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ बट फिर भी मैंने पहले ये सोचा था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँ, बट इसमें क्या है कि हर छोटे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है ना। जिसको कभी लगता है कि क्वेश्चन मुझे आता है तो यू कैन स्किप द वीडियो एंड गो टू द क्वेश्चन जो तुम्हारी डाउट है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये मैकेनिक्स का पार्ट वन वीडियो है, ठीक है ना। 199 टोटल प्राइस होगा इसका फुल कोर्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट इज। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स की एसआई यूनिट की अगर बात करी जाए तो फोर्स की तीन तरह की यूनिट्स हैं, एक है सीजीएस, एक है एसआई यूनिट, एक है एमकेएस यूनिट और एक है सीजीएस यूनिट। तीन तरह की यूनिट्स हैं और इस एसआई यूनिट में इसका यूनिट होता है न्यूटन। कितना होता है बताओ? न्यूटन, जिसे हम लोग बोलते हैं। एमकेएस यूनिट की बात करी जाए तो एमकेएस यूनिट में हम लोग इसको किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? किलोग्राम फोर्स, ठीक है। और सीजीएस यूनिट में इसी को ही हम लोग डाइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबको पता होनी चाहिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, तीन तरह की फोर्स की यूनिट होती है और इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इन यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे इसमें दो बातें कि ध्यान रखना, अगर कभी भी हमें किलोग्राम फोर्स से न्यूटन पे जाना हो तो ध्यान रखना 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है और इसी तरह से अगर डाइन को हमें न्यूटन में बदलना हो या न्यूटन को डाइन में बदलना हो तो हम लोग समझ सकते हैं कि 1 डाइन इज इक्वल टू 10 to power 5 न्यूटन। और डाइन को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 to power -5 न्यूटन। क्लियर है? तो दीज आर द रिलेटेड टॉपिक्स जो इस एसआई यूनिट से भी ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है बता सब लोग? आंसर होने वाला है न्यूटन, ठीक है ना, बिकॉज एसआई यूनिट जो है फोर्स का वो क्या है? न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन एसआई यूनिट विल बी, वर्क हो या एनर्जी हो उसका यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है। तो अगर हम बात करें वर्क की तो वर्क बहुत ही सिंपल सी बात है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
ठीक है ना, मतलब फोर्स इनटू उसी फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है सब लोगों को, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स और उसी फोर्स की डायरेक्शन में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनके प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, वर्क बोला जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि वर्क में क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है। अब यूनिट ऑफ वर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हमें वर्क का यूनिट चाहिए, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर क्या चीज कि जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कितना होता है, मीटर। तो यहां से आंसर आ गया न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है ना, विच इज द यूनिट ऑफ वर्क। और अगर न्यूटन इनटू मीटर देखा जाए तो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन हमें एक बात ध्यान देनी है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटरकन्वर्जेबल है, तो हम लोग सिंपल सी बात कहते हैं यूनिट ऑफ वर्क भी किसके बराबर है, बताओ, यूनिट ऑफ एनर्जी के। और एनर्जी का यूनिट सबको पता होना चाहिए क्या होता है, बताओ, जूल। तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि जूल और न्यूटन मीटर बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, तो आंसर क्या होगा बताओ सब लोग, जूल, जूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में पावर की यूनिट क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, पावर क्या होता है सब लोग बताओ, पावर इज वॉट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क कितना फास्ट हो रहा है उसी को पावर कहते हैं। मतलब कोई वर्क है, मतलब हमने कोई काम किया, मान लो 20 जूल वर्क किया और टाइम लगा 10 सेकंड, और अगर हमने 20 जूल वर्क किया और टाइम लगा 2 सेकंड, मतलब कम समय में हम ज्यादा वर्क डन कर रहे हैं, इट मींस पावर हमारे पास ज्यादा है, ठीक है ना। तो पावर इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यू कैन से दिस कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क डन की यूनिट की बात करी जाएगी अगर, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, यूनिट ऑफ W डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ T। तो वर्क डन की यूनिट सब लोग को ध्यान रखना है क्या होता है, बता सब लोग, वर्क डन कह रहा है कि पावर की यूनिट क्या होगी, तो वर्क डन की SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो SI यहां पे भी लेना है और SI यहां पे भी लेना है, बताओ SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा, सिंपल सी बात है, जूल, ठीक है ना। वर्क डन न्यूटन जूल बोल सकते हैं या न्यूटन इनटू मीटर बोल सकते हैं, दोनों बातें सेम है, ठीक है ना, बट सेकेंड जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जितना भी तरह से, अब ऑप्शन में हम लोगों को चूंकि वॉट अवेलेबल है तो वी विल डिस्कस द ओनली वॉट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि पावर की यूनिट्स कभी कभी बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं, आगे हम लोग देखते हैं उस पर भी और अच्छे क्वेश्चन है। फोर्सेज आर कॉल्ड कॉन्करेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट एट। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर कॉन्करेंट जो वर्ड आ रहा है यहीं से हमें पॉइंट आउट करना है चीजों को, तो यहीं से पॉइंट आउट करना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जिसको कॉन्करेंट नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग मैकेनिक्स का लेक्चर देख सकते हैं, मैंने आई बटन पे शो कर रखा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट, कोप्लेनर, ये सब कुछ, तो वहां से सिस्टम ऑफ फोर्स लेक्चर 2 आप देख सकते हैं। कॉन्करेंट की अगर बात करी जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट एक सिस्टम ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे बलों का समूह या ऐसे सभी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का ऐसा ग्रुप जिसमें सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहे हो, मतलब हम कह सकते हैं कि वो सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जो है वो सभी पॉइंट, सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, तो अगर सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा इट मींस दैट फोर्स इज कॉल्ड द कॉन्करेंट। इसी तरह और भी टर्म्स होते हैं, अभी इस हिसाब से देखा जाए सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट या सेम पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है ना, सेम पॉइंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि और क्या क्या चीजें होती हैं कॉन्करेंट से रिलेटेड। कोप्लेनर की अगर बात करी जाए
तो इसमें सेम प्लेन है ना, कंटेन ऑल लाइन ऑफ एक्शन, सभी की लाइन ऑफ एक्शन को अगर एक प्लेन कंटेन कर रहा है तो वो को प्लेनर हो जाएंगे। इसी तरह को लीनियर होता है, को लीनियर का मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो, एक ही लाइन पर सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो, इट इज द सेम लाइन ऑफ एक्शन विच इज द कोलिनियर कोप्लेनर। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं सब। और इसी तरह इक्वल अनलाइक ये सब भी आते हैं। तो इक्वल और अनलाइक क्या होता है, इक्वल इक्वल का मतलब सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और इक्वल के साथ साथ अगर हम बात करें लाइक की, तो लाइक पसंद करना, लाइक का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। तो दीज आर द टर्म्स। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए कॉन्करेंट ही इंपॉर्टेंट था, बट ये चारों और भी होते हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो हम लोग एग्जाम में टिक लगा सकते हैं इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। द फोर्सेस आर कॉल्ड को प्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ वन प्लेन। समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि मैंने अभी बताया को प्लेनर का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्लेनर, को प्लेनर का क्या मतलब है बताओ सब लोग। को प्लेनर का मतलब है कि सभी के सभी फोर्स जो है एक ही प्लेन पर वर्क कर रहे हैं। जैसे यहां पर कॉन्करेंट का मैं मतलब थोड़ा फिगर के साथ समझा देता हूँ, कि जैसे फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट पर लग रहे हैं, सभी फोर्स एफ वन एफ टू एफ थ्री ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में अगर देखोगे सब लोग, तो को प्लेनर की बात कर रहा है। को प्लेनर का मतलब क्या होता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बीम। इस पर आप समझ सकते हैं कि जो फोर्स लग रहे हैं, सपोज दैट एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इंक्लाइंड भी लग रहा है, डजंट मैटर, ध्यान रखना सब लोग। मगर अगर ये एक्सेस एक्स एक्सेस है और ये एक्सेस अगर वाई एक्सेस है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे फोर्स, कौन सा फोर्स होता है, डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू फोर या एफ फोर, क्लियर है। सभी फोर्स जो है वो सभी के सभी एक ही प्लेन पर है। तो सभी का जो प्लेन ऑफ प्लेन की अगर बात करी जाए, दैट इज द प्लेन वेयर ऑल लाइन ऑफ एक्शन आर विच इज द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे सबकी लाइन ऑफ एक्शन है, इट मीन्स ऑल फोर्सेस आर इन कोप्लेनर सिचुएशन, ठीक है ना। तो आंसर विल बी दी वन प्लेन, ठीक है ना। तो फिफ्थ का आंसर हो गया वन प्लेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब लोग, सिक्स। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में, फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है, फिर से ध्यान रखना, इसमें पहले चैप्टर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था व्हाट इज द मैकेनिक्स एंड फोर्स, तो वहां से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जज कर सकते हैं। इट मीन्स आपको यहाँ बात समझ में आ रही होगी, जो हमारा रिविजन कोर्स है उसमें इस तरह से पढ़ाया ही जा रहा है, या इस तरह से कंटेंट ही दिया गया है जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। बट जिन्होंने कोर्स नहीं कर रखा है तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में, अच्छा किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो सबको इसका मतलब समझना चाहिए कि एक्चुअली में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, तो वो फोर्स कर क्या सकता है बॉडी के साथ, बॉडी के साथ वो दो चीजें ला सकता है। जैसे कि यहां पर जो फोर्स एफ लग रहा है, इट कैन चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का स्टेट चेंज करेगा, मतलब अवस्था में परिवर्तन। और स्टेट चेंज होना हमारा एक तरह का एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, और इसको इससे क्या क्या हो सकता है, देखो इधर सब लोग, जैसे अभी फोर्स इधर की तरफ मोशन हो रहा है अगर सपोज दैट, और उसी दिशा में है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सीलरेट होगा। क्या होगा बताओ सब लोग, दैट विल एक्सीलरेट सिचुएशन है यहां पर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए कि चेंज इन मोशन, बिल्कुल स्टेट चेंज, मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करता है, बताओ स्टेट चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, मोशन चेंज हो सकता है, तो इट मींस दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। रिटार्ड इट्स मोशन, रिटार्ड इट्स मोशन का क्या मतलब है, जरा गौर से देखो सब लोग, कि अगर किसी बॉडी में मोशन इधर की तरफ हो रहा है, दैट इज द इनिशियल मोशन, और हुआ क्या कि एक आदमी, एक मैन जो है
विच अप्लाइज अ फोर्स ऑन दिस, मतलब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, बॉडी इधर जा रही है और फोर्स इधर लग रहा है, तो रिटार्डेशन, इसी को कहते हैं मंदन, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बताओ, रिटार्डेशन, दैट इज द रिटार्डेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फोर्स रिटार्ड भी कर सकता है बॉडी में। और भी ऑप्शन देखते हैं, करते हैं बैलेंसेस दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्सेस को कैसे बैलेंस करता है उसको भी हम लोग जरा देखते हैं तीसरे अंदर। तो इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डब्ल्यू को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो डब्ल्यू फोर्स है एक्चुअली में उसका भार नीचे की तरफ डब्ल्यू एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ रस्सी में क्या आ रहा है, टेंशन। तो यहां ध्यान दो, ये टी अगर टेंशन फोर्स है तो टेंशन जो है वो डब्ल्यू के क्या है, बराबर है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टेंशन, रस्सी में जो टेंशन है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। मतलब फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो चाहे तो किसी को बैलेंस भी कर सकता है, चाहे तो किसी की स्टेट भी चेंज कर सकता है। मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू दिस। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारा सही है कि हाँ, फोर्स बैलेंस कर सकता है किसी भी अनदर फोर्स को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज द इंट्रोड्यूस द इंटरनल स्ट्रेस। ये मैं सोम में पढ़ाऊंगा सबको, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल सब्जेक्ट, और वहां पर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, देखो इधर सब लोग। तो क्या होता है इसका मतलब, जैसे कि सपोज दैट ये कोई रॉड है, ठीक है ना, और इस रॉड पर हम कोई क्या अप्लाई कर रहे हैं बताओ, फोर्स पी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्स क्या कर रहा है, इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस ला रहा है। इंटरनल स्ट्रेसेस का मतलब कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी सेक्शन की बात करें तो होगा क्या कि इस सेक्शन पर जो P फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन पे तुम देखोगे तो एक बहुत सारे जो पॉइंट के इंटरनल फोर्स होंगे वो सब लोग इस P का अपोज करेंगे, तो दैट इज द इंटरनल फोर्स। और इसी इंटरनल फोर्स की वजह से इंटरनल स्ट्रेस आता है, और दैट विल बी द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो दैट इज द पेयर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आर जो है वो पी के साथ मिलके, मतलब ये फोर्सेस आपस में मिलके एक दूसरे को बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ला रहे हैं बताओ, स्ट्रेस ला रहे हैं। और इस स्ट्रेस या इस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रेस से चेंज इन डायमेंशंस आती है, डायमेंशंस में चेंज आता है। तो वो सब कुछ हम लोग मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में नहीं पढ़ते हैं, बॉडी जब डिफॉर्मेबल होती है तभी इंटरनल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो कहने का मतलब है कि फोर्स तो भाई सब कुछ कर सकता है ना, तो फोर्स एक तरह से हमारा इंटरनल स्ट्रेस भी लाता है। इट मीन्स एक लाइन में अगर हम इस क्वेश्चन का मतलब समझे तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो इंटरनल इफेक्ट भी ला सकता है और एक्सटर्नल इफेक्ट भी ला सकता है। मतलब मोशन में भी चेंज ला सकता है और स्टेट में भी चेंज ला सकता है, और साथ ही साथ में बॉडी के शेप साइज में भी चेंज ला सकता है, विच इज डेवलप्स द इंटरनल स्ट्रेसेस। तो फोर्स एक तरह का समझ सकते हो बहुत बड़ी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, E is the correct answer. Clear है सबको? There is any doubt? Seventh number question देखते हैं सब लोग। Which is the correct statement about the law of polygon of forces? जो forces का मतलब law of polygon है, मतलब actually जब mechanics में सब लोग ने पढ़ा होगा कि polygon law, triangle law, ये सभी laws हैं, laws जो अलग अलग system of force के लिए बनाए गए हैं, उन फोर्सेस की वजह से बॉडी के इक्विलिब्रियम को समझा जाता है। तो जैसे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे इसको। देखो इधर सब लोग, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की अगर बात करी जाए तो बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान रखना। इसका एक लाइन मतलब क्या है, इट एक्सप्लेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर
कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेजेस। अब यहां फोर्सेजेस में ध्यान रखना सब लोग, फोर्सेजेस का मतलब बहुत सारे, नंबर ऑफ फोर्स, क्लियर है, बहुत सारे फोर्सेजेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एक दो फोर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं, उन सभी बॉडीज के फोर्सेजेस का जो सबसे बड़ी चीज है, फोर्स की करेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो सबसे पहली चीज है वो कोप्लेनर है और दूसरी चीज है वो कॉन्करेंट है, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी पूछा जाता है कि वैलिडिटी ऑफ पॉलीगन लॉ इज वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ, फॉर विच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो आंसर क्या टिक लगा होगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट, सभी एक ही समतल में होने चाहिए और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं फोर्सेस, ठीक है ना, तभी उस पॉलीगन लॉ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पॉलीगन में मोर देन फोर्स, टू, दो से ज्यादा फोर्स हो सकते हैं, तीन चार पांच छह सात आठ कुछ भी हो सकते हैं, तीन होते हैं तो ट्रायंगल बोला जाता है और तीन से ज्यादा के लिए हमेशा क्या बोला होता है, पॉलीगन, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज दैट एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F3, एक फोर्स लग रहा है F4 और एक फोर्स लग रहा है F5, तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं और इन सभी फोर्सेस को अगर हम क्या करें, अगर इन केस अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ क्या कहता है, पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर हम सभी फोर्सेस को उनके मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन के साथ उनको एक ही ऑर्डर में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दें अगर, तो क्या होगा कि सारे लोग मिलके एक क्लोज्ड सिस्टम बनाएंगे और दैट विल बी दी क्लोज्ड पॉलीगन, और हम ये सब कह सकते हैं कि बॉडी या फोर्सेस सभी किसमें बता, इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं कह दूं कि ये सारे फोर्सेस किसमें बता सब लोग, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम और दैट विल ओनली अकर, कब ये बात कह सकते हैं हम लोग, जब हम F1 को इस तरह ड्रॉ करें, और देख रहे हो सब लोग इससे थोड़ा सा ऊपर उठना है सर्टेन किसी एंगल पे, तो हमें F2 मिल जाएगा, फिर F3 मिल जाएगा, फिर F4 डाउनवर्ड आ रहा है तो F4 मिल जाएगा, और उसके बाद में सब लोग देखना इस वाले फोर्स को जरा गौर से, दैट इज द F5, ठीक है, और यू कैन से दिस दैट F5 कैन बी थोड़ा सा इधर उधर है F5, तो उसको सही कर लेते हैं, F5 हमारा जो है वो एक्चुअली में कौन सा फोर्स है, और देख रहे होगे सब लोग एक ही ऑर्डर में सब लोग चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और सारा का सारा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया, एक ही पॉइंट बन गया, तो मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है बताओ, एक ही जगह आ गए, इसका मतलब है ये क्लोज्ड पॉलीगन है, और अगर क्लोज्ड पॉलीगन बनता है इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। ऐसे तीन फोर्स हैं कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, देख रहे हो सब लोग, दैट इज द सेम पॉइंट, और अगर वो लोग इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये हमेशा सही है कि वो पॉलीगन बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर वो पॉलीगन नहीं बना पा रहे, मतलब जो लास्ट वाला फोर्स F5 हम देख रहे होंगे, अगर ऐसी किस्मत आ जाए कि F5 का मैग्नीट्यूड कम पड़ जाए या उसकी डायरेक्शन कुछ अलग हो, तो देख रहे हो ना वो F5 उस पॉइंट से जाके मिल ही नहीं पाएगा, और मिल नहीं पाएगा तो पॉलीगन नहीं बनेगा, पॉलीगन नहीं बनेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखा जाए, जो पांच ऑप्शन दिए गए, इफ हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर देन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो कहा गया है कि अगर इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी एक बिंदु पर अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उनको अगर हम लोग पॉलीगन की साइड्स के थ्रू क्या कर सके बताओ, एक ही ऑर्डर में लेके रिप्रेजेंट कर सके, तो फोर्सेस इज इक्विलिब्रियम में होंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा यहां पर ध्यान देना सब लोग, थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलती होती है। अगर सब लोग इस चीज को देखो कि पहले और दूसरे ऑप्शन है फर्क क्या,
लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो पहला ऑप्शन ऐसा लगेगा सही तो खैर है, पॉलीगन की साइड्स हैं और ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो टर्म, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है सब लोग को? तो यहां पर मिसिंग है, यहां पर मिसिंग है, टेकिंग इन ऑर्डर में मिसिंग है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन ऑप्शन बी में देखो सब लोग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन ए को नहीं सही मानेंगे, ठीक है ना। बी को अभी प्रेजेंट, अभी मतलब हम लोग प्रियोरिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बट सी डी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज क्लोज्ड, देन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब कह रहा है कि फिर से वही बात है, यहाँ पर कह रहा है कि पॉलीगन, यदि पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग अ फोर्सेस इज एक्टिंग, मतलब उसी को ही घुमा फिरा है कि पॉलीगन वर्ड को लेके आ रहा है, लेकिन कहीं पर भी ऑर्डर और डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, तो वी विल नॉट कंसिडर द करेक्ट आंसर सी। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाई द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखो बी और डी में कंफ्यूजन तुम्हें होंगे, बी और डी में, तो इसमें भी हम डिफरेंशिएट बनाएंगे क्या कहां पर लैकिंग है। तो पहले देखो बी पढ़ो, इफ द एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यहां पर भी इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना। अब यहां पर सब अच्छा चल रहा था, बाई द पॉलीगन साइड्स ऑफ पॉलीगन, इस पॉइंट के बाद ध्यान देना, और यहां पर इस पॉइंट के बाद इस एक्स्ट्रा टर्म्स ने आके चीज को बदल दिया, विच इज द टेकन इन ऑर्डर। समझ पा रहे हो सब लोग? तो चार ऑप्शन जब जहां पर समय नहीं होता है तो हम लोग गलती कर देते हैं कि कौन सी चीज होगी। अब डी नहीं पढ़ा, बी में लगा, अच्छा सही है सही है, लेकिन वहां क्या चीज मिसिंग था बताओ? ऑर्डर। तो तीन टर्म चार टर्म हमें उस पूरे स्टेटमेंट में दिखने चाहिए, कहीं भी ऑर्डर दिखना चाहिए, डिस्टेंस दिखना, डायरेक्शन दिखना चाहिए, और इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड दिखना चाहिए, पॉलीगन दिखना चाहिए, ठीक है ना, और साइड्स ऑफ पॉलीगन दिखना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज द डी आंसर, ठीक है ना। तो मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ कि डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द करेक्ट। बी इज नॉट करेक्ट बिकॉज बी में टेकन इन ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डर रैंडम ऑर्डर में आप कोई फोर्स बना दें और सब पॉलीगन साइड्स बना दें तो नहीं होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। समझ में आया सब लोगों को? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर क्लोज्ड पॉलीगन बनाया गया है एक ही ऑर्डर में लेते हुए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। पहले ऑर्डर ध्यान दो, एफ वन के बाद हम एफ टू का नंबर लगाएंगे, एफ थ्री का नंबर लगाएंगे, फिर एफ फोर का नंबर लगाएंगे, फिर एफ फाइव का नंबर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि घर की खेती किसी को उठा लो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने उसी ऑर्डर को मेंटेन किया, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी डिपेंड्स अपॉन, मतलब कि अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स की, फोर्स का इफेक्ट बॉडी पर क्या पड़ सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी डिपेंड्स अपॉन, अब भाई किसी भी बॉडी पर और उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, सबको मैंने बताया था कि जो इफेक्ट्स आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक आता है चेंज इन मोशन या स्टेट, और एक होता है चेंज इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में चेंज हो जाए या मोशन में चेंज हो जाए, और ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं किस पर बता सब लोग? दोनों चीजें डिपेंड करती हैं किस पर? फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, क्लियर है। इसके साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करती हैं कि फोर्स की डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि फोर्स एक्चुअली केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स के पास अपना खुद का क्या क्या चीज है बता सब लोग? फोर्स के पास अपना खुद का क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा स्टेट चेंज उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज है इंटरनल इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज है डायरेक्शन, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी बॉडी पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हॉरिजेंटल कर दूं तो इंटरनल इफेक्ट होगा ही नहीं, मतलब समझ रहे ना, इफेक्ट इस बात पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इधर सब लोग, कि अगर बॉडी पर फोर्स हम लगाएं इस दिशा में और एक बॉडी पर फोर्स लगाएं इस दिशा में, तो दोनों में फर्क समझ रहे हो। यहां पर स्टेट
चेंज होगा, और यहां पर स्टेट चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना? तो जो इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक इफेक्ट जो स्टेट चेंज वाला इफेक्ट है वो इस कंडीशन में होता है लेकिन इस कंडीशन पे नहीं होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन किस तरह की है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लाइन ऑफ एक्शन। ऐसा क्यों? लाइन ऑफ एक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट की अगर बात करें तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट लॉजिक लग सकता है इस पर। तुम लोग देखो इधर सब लोग, कि अगर सपोज दैट, जैसे मैकेनिक्स में तो समझ ही जाएंगे सब चीज के बारे में हम लोग, कि बॉडी पर कब कौन करेंसी की वजह से केवल केवल डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, रोटेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से ना पास कर रही हो तो रोटेशन भी हो जाएगा। वैसे ही अदर जगह पर भी हम देखते हैं कि अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से है तो ये केवल कंप्रेस होगा, लेकिन अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहां पर है, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गई फोर्स की, ठीक है ना, एक्सेस पर नहीं है, तो यहां पर क्या होगा बताओ? बकलिंग होगा। मतलब दोनों चीज, कंप्रेशन भी होगा और बेंडिंग भी होगी, ठीक है। और यहां केवल क्या होगा बताओ सब लोग? कंप्रेशन होगा ऑनली। तो लाइन ऑफ एक्शन पर भी ये बात निर्भर करती है, तो तीनों चीजों पर निर्भर करती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो आंसर क्या होगा बताओ? ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज पॉसिबल। अब अच्छा एक बात बताओ, सभी फोर्सेस अगर किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, सारे फोर्सेस अगर किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस इज नॉट एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन पार्टिकल। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल ओ, और बहुत सारे फोर्स हैं, मल्टीपल फोर्सेस हैं, और किसी पार्टिकल पर लग रहे हैं, तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। सभी फोर्स को हम एक्स में ब्रेक कर सकते हैं, सभी को वाई में ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मैं एक सिंगल फोर्स में अब चीजों को बदल सकता हूं, विच इज दी आर। तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान देना सब लोग, इसका मतलब है कि इसका और इसका इफेक्ट क्या है, और इसी को कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो सिंगल फोर्स है, रिजल्टेंट क्या है? तो ऑप्शन में बोला गया है कि रिप्लेस करना है हमें इस चीज को, इस चीज को, इस चीज को, इस चीज में क्या करना है बताओ? रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉन्करेंट होने की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो नॉट अ रिप्लेस देम बाई सिंगल फोर्स, गलत बात कह रहा है। टू रिप्लेस देम बाई अ सिंगल फोर्स, टू रिप्लेस देम बाई सिंगल फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम ध्यान रखना, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर ओ है तो इसका भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओ ही रहेगा, ध्यान रखना, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे रिप्लेस होगा फोर्स, ठीक है। रिप्लेस देम बाई कपल, गलत बात है, कपल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्करेंट फोर्सेज कभी रोटेशन नहीं देंगे, ठीक है ना। रिप्लेस देम बाई कपल एंड फोर्स, गलत बात। तो ऑप्शन कौन सा सही है बता सब लोग? बाई सिंगल फोर्स, ठीक है। अगर नॉन कॉन्करेंट होता, यही पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इफ द फोर्सेस आर नॉन कॉन्करेंट, ध्यान देना सब लोग, इफ द फोर्सेस आर नॉन कॉन्करेंट, मतलब एक फोर्स F1 ऐसे लग रहा है, एक F2 ऐसे लग रहा है, F3 ऐसे लग रहा है, तो सभी फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, और इनको अगर हमें रिप्लेस करना होगा, अगर इन्हें रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक सिंगल फोर्स भी लाना पड़ेगा और एक सिंगल मूवमेंट भी लाना पड़ेगा, और एक सिंगल मूवमेंट भी लाना पड़ेगा, और ये मूवमेंट किधर भी हो सकता है, जिधर सभी लोग मूवमेंट दे रहे होंगे उधर ये भी देगा, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हैं, सिंगल फोर्स प्लस मूवमेंट। बात समझ में आई सबको? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस एंड रिलेटेड टू दिस। तो बदल जाती बात कपल की, अगर अगर कॉन्करेंट की बजाय नॉन कॉन्करेंट की बात करता, और कॉन्करेंट कैसे समझे? क्योंकि सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ फोर्स, अगर
साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक ही पार्टिकल एक ही बिंदु पर एक्ट कर रहा है, समझ में आया ना, एट पॉइंट, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्करेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, दैट इज द कॉन्करेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पी, मतलब किसी बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स है पी और एक फोर्स है क्यू, और पी और क्यू का रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं हम लोग को पता होना चाहिए कि दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स आर, ठीक है ना, एक्टिंग एट सेम पॉइंट ओ, ठीक है। तो अब बोला गया है कि रिजल्टेंट फोर्स पी के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है अल्फा, और जो टोटल एंगल है इनके बीच का दैट इज थीटा, राइट। अब पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट रिलेशन, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद कैसे रखते हैं इसको, याद कैसे रखते हैं, ध्यान रखना सब लोग, इसको पेपर में याद रखना है, वैसे डेरिवेशन से भी कर सकते हैं बट हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाए, हम अल्फा के ऊपर गौर करेंगे, किसके ऊपर गौर करेंगे बताओ, अल्फा, अल्फा के ऊपर गौर करेंगे। देखो अल्फा के ऊपर कैसे गौर करते हैं, टेन अल्फा, हमेशा टेन अल्फा के फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, तो टेन अल्फा का क्या मतलब है, यहाँ ध्यान रखना, टेन अल्फा में, टेन अल्फा में ध्यान रखो कि अल्फा किसके किसके बीच का बना कोण है, अल्फा दो लोगों के बीच का एंगल है पी एंड आर, पी और आर के बीच का एंगल है, मतलब रिजल्टेंट का पी के साथ बना कोण। अब जिसके साथ वो एंगल बनाएगा याद रखना उसका उल्टा सोचना है कि अगर पी आर जो है वो पी के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है ना, तो वी विल नॉट कंसीडर दी पी, वी विल कंसीडर दी क्यू, क्यू क्या कंसीडर क्या नहीं कंसीडर वो बता रहा हूं, दिमाग में इमेज तुम्हारी क्यू के लिए बननी चाहिए पी के लिए नहीं, क्योंकि एंगल पी के साथ है तो हम इमेज उल्टी बनाएंगे, अगर एंगल क्यू के साथ होता तो इमेज पी के लिए बनाते, अगर एंगल पी के साथ है तो इमेज क्यू के लिए बनाएंगे, और जिसके लिए इमेज बनाएंगे उसको यहां लिख देंगे क्यू, समझ में आया सबको, क्यू क्लियर है सबको। अब क्यू लिखने के बाद में ध्यान रखना क्यू साइन थीटा, साइन थीटा साइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और थीटा क्या चीज है बताओ, टोटल एंगल बिटवीन द पी एंड क्यू, और डिवाइडेड बाय क्यू कॉस थीटा, मतलब क्यू साइन थीटा बटे क्यू कॉस थीटा लिख देना है, साइन थीटा लिखोगे फिर नीचे कॉस थीटा अपने आप याद आ जाएगा, क्यू क्यू याद आ जाएगा, और नीचे जो बचा फोर्स है उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो बन गया फॉर्मूला क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना, तो क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो आंसर विल बी दी बी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। अच्छा था अगर ये वाला एंगल बीटा होता, तो क्या करते, तो फॉर्मूला क्या लिखते, अब बीटा किसके बीच में है, आर एंड क्यू के बीच में, तो इमेज पी के लिए बननी चाहिए, तो पी साइन थीटा, और अगर पी साइन थीटा लिखा है तो पी कॉस थीटा रखेंगे और इसके साथ क्यू को जोड़ देंगे, हो गया, समझ में आया, तो ये होता है, ये होता तब भी आंसर कर लेते, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो याद रखना सब। अ फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई, फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन किया जा सकता है उसके पास उसकी खुद की डायरेक्शन हो, उसकी खुद की लाइन ऑफ एक्शन हो, जैसे कि कोई बॉडी है और उस बॉडी पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बताओ, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वी हैव टू द लाइन ऑफ एक्शन, वी हैव वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ऑल्सो वी हैव टू द डायरेक्शन एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फ्रॉम दिस टू दिस, तो सब कुछ है, लाइन ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, डायरेक्शन है, और दैट इज द मैग्नीट्यूड, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है ना, जो लोग नहीं देखे तो पहला लेक्चर देख सकते हैं, मैं पहले से बता चुका हूँ, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन है। If two forces is of equal magnitude P act angle theta degree with resultant at angle theta degree
देयर रिजल्टेंट विल बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस सबको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या है ये देखो सब लोग, कह रहा है कि किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, और दो फोर्स किस तरह से, एक पी है और एक क्यू फोर्स है, पी और क्यू, और उनके दोनों फोर्स एक्चुअली सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो वी विल राइट पी एंड पी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, आर होगा, और आर के लिए सबको फॉर्मूला याद होगा पैरेललोग्राम लॉ से, अंडर रूट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, ठीक है ना, और हमने थीटा ही एंगल ले रखा है। अब देखो इधर सब लोग, टू पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टू पी स्क्वायर, यहाँ भी टू पी स्क्वायर, यहाँ भी टू पी स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या हो गया, टू पी स्क्वायर कॉमन आ गया, और कॉस थीटा के लिए बचा वन प्लस कॉस थीटा। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा होता है, तो पी क्यू सेम सेम, तो पी स्क्वायर हो गया। अब कॉस थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वन को हटाने के लिए टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, ठीक है ना, वन से वन कट जाएगा, तो टू पी स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं बताओ, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और माइनस वन प्लस वन कट गया। अब ध्यान देना सब लोग, टू और टू मिला के फोर हो जाएंगे, पी स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो रूट के साथ कट के आएगी, तो टू आएगी फोर का टू, पी स्क्वायर का पी, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का कॉस थीटा बाई टू, दैट इज द फॉर्मूला। और हमें याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि यह फॉर्मूला ही हमारे काम का है, इक्वल फोर्स के लिए फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, बहुत ही ज्यादा चीजें छुपा के रखता है अपने साथ में, ध्यान रखना इस सब चीजों को। तो मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ जो तुम्हें बहुत काम आएगा आने वाले टाइम में। तो देखो क्या है वो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर थीटा का वैल्यू जीरो कर दें, क्या कर दें बताओ, जीरो, थीटा का वैल्यू जीरो कर दें, मतलब दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स दोनों एक ही दिशा में, तो इस समय रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा बता सकते हो, थीटा का जीरो रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी पी दोनों जुड़ जाएंगे तो टू पी हो जाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा रिजल्टेंट होता है, दैट इज द मैक्सिमम। और अगर थीटा का वैल्यू जीरो से बढ़ा के हम कितना कर सकते हैं बताओ, जीरो से बढ़ाते जाओ एंगल, क्या स्पेशलिटी क्या है, 45 पे क्या होगा, 45 पे तुम देखोगे तो ये 22.5 हो जाएगा, तो इतना स्पेशलिटी कोई आ नहीं रही, तो यू विल नॉट कंसिडर दी 45 एंगल, यू विल कंसिडर दी 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल तुम लोग देख ही रहोगे 45 आ जाएगा, कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, रूट टू से टू कट जाएगा तो कितना देगा, रिजल्टेंट रूट टू टाइम्स पी, ध्यान देना रूट टू टाइम्स पी इज लेस देन दी टू पी, टू पी की वैल्यू टू पी होती है और रूट टू पी की वैल्यू होती है 1.414 पी, समझ गए, तो छोटा है उससे। अभी एंगल हम और बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान रखना एंगल किस तरह बढ़ा रहे हैं, मतलब हम एंगल को क्या कर रहे हैं, पहले एंगल हमने जीरो रखा था, फिर थोड़ा सा 90 डिग्री किया, अब हम एंगल को और आगे करेंगे, तो 90 के बाद में अगला एंगल 120 आएगा, तो अगर 120 डिग्री एंगल हो कितना बता सब लोग, 120 डिग्री, तो सब लोग को समझ में आ रहा होगा 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, ठीक है ना, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो R बराबर P आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर कब होता है, जब एंगल 120 डिग्री होता है। इसी तरह थीटा एक स्पेशल एंगल है 151 डिग्री, जब रिजल्टेंट की वैल्यू P/2 आ जाएगी, घर पे जाके cos 151 सॉल्व करना, मजा आ जाएगी तुमको, R बराबर P/2 निकल जाएगा। इसके बाद कहानी खत्म होने वाली है, अगर थीटा 180 डिग्री ले लेंगे तो समझ जाओ वहां पर रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, और इट विल बी द मिनिमम रिजल्टेंट, मतलब मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक की कहानी हो गई, जीरो से लेकर 180 तक कहानी हो गई, अब रिजल्टेंट रिपीट करेगा बार बार, तो समझ में आया ना, मैक्सिमम 2p हो सकता है और मिनिमम इज वॉट जीरो, ठीक है ना। तो इससे एक जो बहुत ही बड़ा बात मैं बताने वाला हूँ, इसको लिख लेना कॉपी पे, छाप लेना बिल्कुल, समझ में आई कि नहीं, विच इज द रेंज ऑफ फोर्स, रेंज ऑफ रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर 2p, कभी भी रिजल्टेंट जीरो से लेकर 2p से आगे कहीं जा ही नहीं सकता है। अगर 8 न्यूटन के दो फोर्स हैं, ध्यान रखना कितने भी एंगल पे लगा दिए जाएं, उसका रिजल्टेंट कम से कम जीरो हो सकता है और अधिक से अधिक 16 हो सकता है।
ठीक है ना, जीरो से कम नहीं हो सकता और 16 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जीरो से लेके 16 तक जितने नंबर आते हैं सब रिजल्टेंट पॉसिबल है, बट 16 से ज़्यादा रिजल्टेंट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 13, द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्वड पार्ट्स ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्वड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है, कह रहा है कि सभी फोर्सेस एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्वड पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब सभी फोर्सेस का एक किसी यूनिक डायरेक्शन, मान लो हमने कोई डायरेक्शन फिक्स कर ली हमारे दिमाग में, वो डायरेक्शन है गिवन डायरेक्शन इज एक्स, और सभी फोर्स को मैंने एक्स तरफ रिजॉल्व किया, और कहा जा रहा है कि उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था इज इक्वल टू द रिजॉल्वड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजॉल्वड पार्ट का जो रिजल्टेंट है उन उसी डायरेक्शन में सेम होता है, तो वो किसका प्रिंसिपल। इस पर हम लोग एक बार क्वेश्चन इसरो में आ चुका है, न्यूमेरिकल आया था इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। और वो क्या है देखो इधर सब लोग, तो क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है ठीक है ना, और उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F3, F4, F5, बहुत सारे फोर्स हैं, ठीक है, और इन सभी फोर्सेस को हमने क्या करना है, मैंने एक रिप्लेसमेंट तरीका सिखाया था, तो वी कैन रिप्लेस दिस बाय लाइक सिग्मा FX एंड सिग्मा F1, ठीक है, और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक सिंगल फोर्स, विच सिंगल फोर्स इज आर। अब एक बात समझना सब लोग, ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल है, सब सेम इफेक्ट है, सबका सेम इफेक्ट है, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ जो सिग्मा एफएक्स दिख रहा है सबको, दैट सिग्मा एफएक्स एंड आर का जो कंपोनेंट आएगा, आर का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस विच इज द आर एक्स, और यहां पर ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा विच इज द आर वाई, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहता क्या है, कहता क्या है, यही हमें समझना है कि सभी फोर्स जो एक्स डायरेक्शन पे नेट वैल्यू दे रहे हैं तो दैट डेवलप्स द इफेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, और सभी फोर्स जितना इफेक्ट दे रहे होंगे अकेले उतना इफेक्ट परिणामी बल देगा या रिजल्टेंट फोर्स देगा, तो विच इज द आर एक्स। इसी तरह सिग्मा एफ वाई किसके बराबर होगा बताओ, आर वाई के बराबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, मतलब यही कह रहा है कि रिजॉल्व्ड पार्ट किसी एक डायरेक्शन में, मतलब इन एक्स डायरेक्शन, और रिजॉल्व्ड पार्ट इन वाई डायरेक्शन, सभी का एक्स डायरेक्शन में सम और सभी का वाई डायरेक्शन में सम जो है वो बराबर है किसके बताओ, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन और नेट फोर्स रिजल्टेंट का एक्स की तरफ कंपोनेंट और रिजल्टेंट का वाई तरफ के कंपोनेंट, मतलब सभी का रिजॉल्व पार्ट एक्स डायरेक्शन में और रिजल्टेंट का एक्स डायरेक्शन रिजॉल्व पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट विच इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी होता है, बट कभी मैं बता दूंगा उसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा in a given direction is equal to, अब कह रहा है कि the resolved part of the resultant of two forces, मतलब दो forces का resultant है in inclined at angle theta in a given direction is equal to the algebraic sum resolved part in the force direction, बिल्कुल सिंपल सी बात, यही बात तो मैंने बताई, यही तो है सब कुछ, ये बिल्कुल सेम चीज ये बोल रहा है, कह रहा है कि resolved part, रिजॉल्व पार्ट मतलब इन रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं और जो पर्टिकुलर किसी एंगल पर है, मतलब एक फोर्स है सपोज दैट ये और एक फोर्स है ये, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा कहीं आर यहाँ होगा, मतलब कहीं इस तरह आर होगा, वही आर यहाँ पर मैंने दिखा दिया, तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये एंगल अल्फा है और ये टोटल एंगल थीटा है, तो सिंपल सी बात है यार कि सभी का एक्स की तरफ कंपोनेंट तुम कर लोगे, मतलब सिग्मा एफएक्स कर लोगे, तो दैट विल इक्वल्स टू द आर एक्स व्हिच इज द आर कॉस अल्फा,
और सिग्मा एफ वाई कर लोगे तो दैट विल बी द आर वाई विच इज द आर साइन अल्फा, ठीक है ना। तो यही वो कहना चाह रहा बार बार, क्वेश्चन में कोई नई चीज नहीं है। रिजल्टेंट का अगर जो रिजॉल्व पार्ट होता है वो बराबर होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्सेस इन गिवन डायरेक्शन। सम, अब देखो यहाँ सम और एल्जेब्रिक सम में फर्क है, मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई के साथ साइन कन्वेंशन चलता है कि इधर की तरफ प्लस और इधर की तरफ माइनस, अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा बताओ इसका, ए। और सब इधर उधर की बेफजूल की बातें हैं, सम ऑफ द मल्टीप्लाइड साइन थीटा और ये सब चीजें, ठीक है ना। तो आंसर क्या है बताओ, ए इज द करेक्ट आंसर। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। आइडेंटिकल डायमेंशन किसका नहीं होता, तो अगर हम मोमेंटम की बात करें और इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स सबसे पहली चीज समझना चाहिए क्या होता है, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, मतलब इनिशियल कितना मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम कितना है, उनमें जो डिफरेंस होता है, चेंज जो होता है मोमेंटम का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंपल्स को। इसका मतलब है भाई एक चीज बताना, दो जो जैसे फोर्स और फोर्स, दो फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन ही होगा, और अगर डायमेंशन न्यूटन ही होगा, डायमेंशन में अगर हम बात करें एमएलटी माइनस टू है, तो भाई उसको फोर्स से फोर्स को घटा देंगे तो आएगा तो फोर्स ही निकल के ना, तो इसका मतलब है इम्पल्स की और मोमेंटम की जो डायमेंशन है क्या होगी बताओ, सेम डायमेंशन होगी, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है सब लोगों को, और सेम डायमेंशन सब लोग जानते हो क्या होगा बताओ, एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस एम इंटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब एम वी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब एम एल टी माइनस वन, ठीक है ना। टॉर्क एंड एनर्जी, अब टॉर्क और एनर्जी की बात करिए तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर या वर्क डन इसे बोल सकते हैं, आगे स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन है तो परेशान होने की जरूरत है नहीं वैसे। तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों का देख पा रहे होगे सब लोग सेम चीज है, क्या होगा बताओ, एम एल टू टी माइनस टू, भाई न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, एम एल टी माइनस टू, और इंटू मीटर कर दोगे तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह टॉर्क और वर्क डन की अगर बात करेंगे, एक बात ध्यान देना, इनका डायमेंशन सेम होता है, ये भी न्यूटन इंटू मीटर है मतलब जूल है, और ये भी न्यूटन मीटर है, इनका दोनों का यूनिट क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू। लेकिन एक बात समझने वाली है, टॉर्क और वर्क डन में एक फर्क क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ टॉर्क और वर्क डन को। टॉर्क में जैसे कि सपोज दैट हम टॉर्क ले रहे हैं किसी फोर्स का, टॉर्क फोर्स का मूवमेंट ही टॉर्क है ना, तो यह बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ कपल, इसी को टॉर्क कहते हैं। तो इसमें तुम लोग देख पा रहे होगे कि एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है और एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है डी है, ध्यान देना टॉर्क और मूवमेंट की अगर बात करें तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ कपल, और कपल में सब लोगों को पता होगा एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, क्लियर है सबको। तो अगर डी डिस्टेंस है तो ध्यान रखना सब लोग, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और वर्क डन में क्या है कि अगर किसी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो जो जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वहां यूटिलाइज करने वाले हैं तो उसी डायरेक्शन में करने वाले हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ डी परपेंडिकुलर होता है और यहाँ डी उसी डायरेक्शन में होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क एंड वर्क डन, बट द डायमेंशन एंड यूनिट विल बी सेम। फॉर्मूले में एफ इंटू डी ही होता है, बट डी वहां पर परपेंडिकुलर है और वहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट भाई एंगस्ट्रॉम भी होता है, सबको पता है सारी चीजें। लाइट ईयर बहुत बड़ी दूरी के लिए मेजर करते हैं, माइक्रोन बहुत छोटी के लिए, मिलीमीटर मीडियम है ना। माइल स्टोन इज नॉट द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। इट इज एनी इवेंट, या मैंने कह सकता हूँ मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा किस्सा था, या ये बहुत आदमी बहुत इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया, मतलब एक तरह का कुछ नया चेंज, तो उस इवेंट इस चीज को माइल स्टोन बोला जाता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इससे कोई एक्सप्लेनेशन की इसमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बात करते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर।
पावर का यूनिट किलोवाट होता है, सबको पता है। एचपी, एक हॉर्स पावर बराबर सबको पता होगा 746 वॉट होते हैं, ठीक है ना। दैट इज अ कन्वर्जन, तो दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर। किलो कैलोरी पर सेकेंड, तो समझ लेना किलो कैलोरी क्या है बताओ, यूनिट ऑफ वर्क डन। कैलोरी को जूल में बदल सकते हैं, किलो कैलोरी को भी हम किलो जूल में बदल सकते हैं, तो यूनिट ऑफ वर्क है। और किलो कैलोरी पर सेकेंड की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम, तो मतलब ये किसकी रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको भी देख लेते हैं भाई। पावर की यूनिट अगर हम देखें, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, और न्यूटन मीटर को ले सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कभी पॉसिबल ही नहीं है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड क्यूब आ जाए। सो हेयर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब अगर देखा जाए, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज का फर्क है। वैसे देखा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज नॉट द यूनिट ऑफ द पावर, बट अगर हम एक्सीलरेशन को यूनिट मान लें, फॉर यूनिट एक्सीलरेशन, तो इट विल कन्वर्टेड इंटू द किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, तो पावर से रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है, ठीक है ना। रही बात ई ऑप्शन की, किलो कैलोरी बटे किलोग्राम सेकेंड, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ऑप्शन की बात करी जाए तो ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम एक्सीलरेशन यूनिट मान सकते हैं बट मास को यूनिट नहीं अज्यूम कर सकते हैं, तो यू कैन नॉट टेक द आंसर कि भाई पर यूनिट किलोग्राम कर दें उसी तरह पर एक्सीलरेशन, तो ऑप्शन विल बी ई। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो सब लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड हीट। तो किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट होता है, किलोग्राम इंटू मीटर, तो अगर बात करी जाए कि वर्क की, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में हम यहाँ पर फोर्स को हम किलोग्राम फोर्स अगर ले लें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो किलोग्राम मीटर भी वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। किलो वॉट इंटू आर, ये भी क्या होता होता है, एनर्जी का ही यूनिट है। और एच पी इंटू आर, मतलब आर के हिसाब से जो पावर, एच पी आर को अगर समझने की कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा। एच पी आर मतलब एच पी इज द यूनिट ऑफ पावर, और यह है यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब पावर को लिख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम, और यूनिट ऑफ टाइम कट जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एच पी इंटू आवर है किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है। इसका मतलब है ये भी वर्क की यूनिट, ये भी वर्क, लेकिन एच पी यूनिट पावर की होती है, एच पी यूनिट पावर की होती है, तो इट विल बी दी नॉट द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड हीट, तो आंसर विल बी दी डी, एच पी, ठीक है ना। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट कौन नहीं, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर सबको पता है ये प्रेशर का यूनिट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लोग मेजर करते हैं, तो ये भी हमारा प्रेशर। एमएम ऑफ सर्टेन फ्लूइड, तो उस सिचुएशन पर भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाइट की फॉर्म पे भी हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर और फोर्स में फर्क है। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्म में होता है, तो आंसर इसका सिंपल सी कौन सी बताओ, ई। लेकिन कुछ लोग ATA को लेके कंफ्यूज होंगे, व्हाट इज द ATA, और तो समझ में आ रहा है लेकिन ATA क्या है। एक्चुअली में ATA क्या है, हमारा एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब ये हमारा एक तरह का टोटल प्रेशर है, समझ में आया ना। मतलब अगर ये हमारी जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है, तो इस एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन से किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो ये प्रेशर हमारा टोटल प्रेशर में गिना जाएगा या एब्सोल्यूट प्रेशर में गिना जाएगा। और इसके साथ में दैट इज द कॉम्बिनेशन या सम कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक का प्लस गेज प्रेशर का सम होता है हमारा ATA। ATA इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर का यूनिट है, और इसको टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ATA जनरली हम लोग नहीं देखते हैं कभी, अगर इसमें है तो हमें पता होना चाहिए।
वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू, वेट किसकी वजह से होता है? सिंपल सी बात है, किसी बॉडी का वेट कैसे समझ पाते हैं? अगर कोई अर्थ सरफेस पर अगर कोई बॉडी रखा हुआ है तो उसका वेट क्या है? वेट है जो जो कि ये अर्थ है और अर्थ का ये सेंटर है, तो कहीं ना कहीं फोर्स एक्ट करता है बॉडी पर टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, विच इज द अट्रैक्शन फोर्स, और दैट इज नथिंग बट क्या होता है बताओ, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जी जी होगा, एम वन में इस बॉडी का मास एम है और इस बॉडी का मास एम ई है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर ई स्क्वायर होता है, और जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, विच इज द एम जी। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या है बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाई पार्टिकल्स, फोर्स एक्सपीरियंस बाई द बॉडी एट एटमोसफेयर, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाई द अर्थ। सही बात है कि ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के थ्रू जो लग रहा है, बट अगर हम ऑप्शन बी की बात करें और ऑप्शन ई की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, चीजों को समझने की कोशिश करो, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ बहुत स्पेशलाइज तरीके से आंसर को बताया जा रहा है और ऊपर जनरल बात कर रहे हैं, तो वी विल नॉट कंसिडर द आंसर बी, आंसर इज द ई, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है जो कि सेंटर के अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, विच इज द एम जी, ठीक है ना। यहाँ जी समझ पा रहे होगा सब लोग क्या होता है, जो हम लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? और इसी को ही हम वेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, वेट। और ध्यान देना, वेट वेट इसका दो बातें हैं, और चलो आगे मैं बता दूंगा जब क्वेश्चन में कहीं दिखेगा। द फोर्सेज विच मीट एट अ पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन प्लेन, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ लो सब लोग, और लाइन ऑफ एक्शन जो है नॉट लाई इन प्लेन, मतलब दो बातें यहां से हमने कह दी, सेम पॉइंट की वजह से नाम हो गया कॉन्करेंट, और नॉट लाई इन सेम प्लेन इसका मतलब हो गया नॉन कोप्लेनर, तो मतलब कुल मिलाकर नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गया, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, तो आंसर क्या हो गया बताओ सब लोग, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। भाई ये ऐसे ही पकड़ना होता है तुम्हें, चार पॉइंट स्टार्टिंग बताया था उसी को पकड़ के रखो, बस आंसर आ जाएगा। व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू अ लॉक फॉलोइंग इज अप्लाइड, अगर हम क्या कर रहे हैं कि किसी लॉक के अंदर, मतलब सपोज दैट हमारे पास क्या बताओ कोई लॉक है, ठीक है ना, उस पे इस तरह का कुछ होल बना हुआ है, और इस पर तुम क्या कर रहे हो, एक की को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, एक की को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब की को अगर इंसर्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, हमें दो फोर्स लगाने पड़ते हैं इस की में, तो दो फोर्स कौन कौन से लगाने पड़ेंगे, जब हम की को अगर हम करते तो इस तरह से रोटेट कराते हैं कि नहीं, तो एक फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर, भले ही थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उनका, लेकिन लगाते हैं इसी तरह कि इस तरह से एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, और एक बैक एंड पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन, और दोनों फोर्स की वैल्यूज कैसी हैं, सेम है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है ना, तो वी आर अप्लाइंग दी कपल, और कपल क्या है, That is the two coplanar, एक ही प्लेन पर है, parallel, unlike, equal forces, ये बहुत important है, समतलीय और कैसे होने चाहिए, नॉन कॉन्करेंट मतलब पैरेलल हो एक दूसरे के, और इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर इसका होगा कपल, ठीक है ना, कोप्लेनर फोर्सेस हैं बट आंसर कपल इस वजह से, बिकॉज कपल एक स्पेशलाइजेशन यहाँ पर हो रही है, दो फोर्स का कॉम्बिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है,
समझना सब लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली चीज, एक बात मैं आज सबको बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी को जीरो ऑर्डर टेंसर कहा जाता है। ये टेंसर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटीज को, लेकिन ये जीरो ऑर्डर का है, मतलब ओनली हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं, केवल केवल क्या होता है बता सब लोग, मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब है कि टाइम के पास मैग्नीट्यूड है, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर। मास के पास स्केलर, डेंसिटी के पास स्केलर, वॉल्यूम के पास स्केलर। बट अगर एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो एक्सीलरेशन के पास में दोनों चीजें, उसका खुद का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इट इज द वेक्टर, और वेक्टर को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। ठीक है, तो आंसर विल बी दी ई इज द करेक्ट आंसर, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन अ बॉडी इज। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें तो ये मैं बता चुका हूँ सब लोगों को सेकंड लेक्चर में, वहां से आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या है। सेकंड लेक्चर मैंने आई बटन के ऊपर शो कर रखा है, तो इजीली वहां से आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, इफ द फोर्स इज एक्टिंग इज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और हमें किसी नए पॉइंट पर फोर्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, या यहां ट्रांसफर करना है सी पॉइंट पर, तो उस बॉडी पर हम किसी भी पॉइंट पर फोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, इट विल डेवलप अ सेम इफेक्ट। मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट, पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं, ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन, विल बी सेम। मतलब इफेक्ट बदलता ही नहीं है, मतलब सी पर भी वही एफ का इफेक्ट होगा जो बी पर होगा, जो ए पर है। मतलब फोर्स को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है उस लाइन ऑफ एक्शन पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बसरते इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, बट बॉडी शुड बी रिजिड। अगर बॉडी डिफॉर्मेबल है तो दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज वैलिड ओनली फॉर द रिजिड बॉडीज। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा इसका, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है, सेम होगा हर पॉइंट पर, सेम एट एवरी पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बदल जाएगा तो इफेक्ट भी बदल जाएगा। ठीक है, हो सकता है फिर उस पॉइंट के अबाउट वो चीज रोटेट कराने लगे, जैसे हमने अगर एक पॉइंट डी ले लिया यहाँ पर, तो डी पॉइंट के अबाउट फोर्स का इफेक्ट, फोर्स तो होगा ही होगा और एक मूवमेंट भी आएगा। 25 क्वेश्चन नंबर देखो सब लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, मास, मोमेंटम, एंगल एंड स्पीड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी सबको पता है यार, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो इट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, मास के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। मोमेंटम, मोमेंटम ध्यान दो सब लोग, संवेग की अगर बात करी जाए तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, मोमेंटम यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, दैट इज द, एक तरह का हम फोर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मोमेंटम कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो आफ्टर ऑल पी बिकम्स द वेक्टर। ठीक है ना, और ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन होती है, अगर मैंने बोल दिया है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंटम है तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और दैट हैविंग अ टू टाइप ऑफ थिंग्स, फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन इज द डायरेक्शन। और ये चीज़ कोलिजन में बहुत इंपॉर्टेंट तरह से समझनी होती है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड जाना टकरा के वापस आना, तो भाई जब बॉल नीचे जा रही थी और जब बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है ना, तो अगर ये मोमेंटम मैंने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ मोमेंटम हमें कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। और रही बात एंगल की, एंगल बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एंगल इज नॉट अ
वेक्टर क्वांटिटी। एंगल क्या होता है? हमेशा स्केलर होता है। एंगल की बजाय अगर एंगल की जगह अगर हम रोटेशन लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ? रोटेशन, तो ये होता वेक्टर, बट एंगल हमेशा स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और स्पीड सबको पता है स्केलर होता है, तो स्पीड इज स्केलर। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बताओ? सी, मोमेंटम। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 26 नंबर देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज विच आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू प्रोड्यूस द रिजल्टेंट फोर्स √10 kg एंड व्हेन एक्टिंग एट 60 डिग्री प्रोड्यूस रिजल्टेंट ऑफ 13 √13। मतलब दो क्वेश्चन दिए गए, एक सिचुएशन बोली गई है कि फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, कितना है बताओ? दे आर एक्टिंग 90 डिग्री टू ईच अदर। अच्छा बताओ, 90 डिग्री पर अगर एक्ट कर रहे होंगे दो फोर्स, एक फोर्स पी है और एक फोर्स क्यू है, तो इनका रिजल्टेंट होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, होगा, और वो रिजल्टेंट होता है √10 kg। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी सिचुएशन बोली गई है कि व्हेन दे आर एक्टिंग, वही सेम फोर्स, दे आर एक्टिंग एट 60 डिग्री टू ईच अदर, द रिजल्टेंट बिकम्स √13 kg। ठीक है, तो दो भाई, अब हमसे पूछा जा रहा है कि पी और क्यू क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें पी क्यू निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए। तो यहां से हमें समझने आ रहा होगा कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, बिकॉज एंगल 90 डिग्री, तो 2 पी क्यू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आंसर पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी दिस। और यहाँ पर आर स्क्वायर जो आएगा, मैं इसको आर टू बोल दे रहा हूँ, इसको आर वन बोल दे रहा हूँ, तो दैट इज द आर वन, दैट इज आर टू, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और 2 पी क्यू कॉस 60। अच्छा, था 2 पी क्यू कॉस 60 हो गया। आर वन कितना है बताओ? √10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। यहाँ हो गया 13 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसका मतलब है कि अगर इसे हम 13 लें, और ध्यान रखना सब लोग, इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं 10, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ सब लोग? यहां से देगा पी क्यू इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है हमारे पास ये, और एक इक्वेशन हमारे पास ये, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी क्यू। तो यहां से हम दो चीजें कर सकते हैं, ध्यान देना सब लोग इसको, कि पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा? भाई सिंपल सी बात है, पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा? रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 10 के बराबर दिया गया है, और 2 पी क्यू 6 के बराबर, तो 4 आ गया। और पी माइनस क्यू बराबर करी जाए भाग, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, ठीक है ना? तो फिर 10 और माइनस 6, 4 और √2 आ जाएगा, तो 4 और 2 आ गया, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। भाई दो सिंपल सी बात है, इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो 2p बराबर कितना आ जाएगा? ये कट जाएंगे, तो 2p बराबर आ जाएगा 4 2 6, तो p बराबर आ गया 3, और q बराबर सबको पता चल रहा होगा कि 1 आ जाएगा जब 4 में से 3 चला जाएगा। आप सेटिस्फाई भी करा सकते हो। अच्छा, दोनों अगर राइट एंगल पर लगेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 त्रिका 9 और 1 10, √10 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आंसर विल बी 3 and 1 kg, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया सबको? बहुत ही सिंपल है, जल्दीबाजी मत करना, नहीं फंस जाओगे, ठीक है ना? इस जगह पर कंसेप्ट ये लगाना है कि पी प्लस क्यू अलग निकालना है और पी माइनस क्यू अलग निकालना है। 27 क्वेश्चन देखो सब लोग, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ। अच्छा, सारे फोर्स अगर एक पॉइंट पर लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम बताए, ऐसा तभी संभव है। ये कॉन्करेंट फोर्स के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मतलब सारे फोर्स एक पॉइंट पर लग रहे हैं, और कब इक्विलिब्रियम होगा? यार सिंपल सी बात है, अगर हमने सिग्मा एफ एक्स निकाला और वो 0 आ गया, और सिग्मा एफ वाई निकाला और वो 0 नहीं आया, ध्यान रखना है, सिग्मा एफ एक्स 0 आया मतलब बॉडी एफ की तरफ नहीं चल रही, कोई फोर्स ही नहीं है चलाने वाला, लेकिन सिग्मा एफ वाई अगर नॉन 0 हो गया तो वाई में चलेगी, और हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम हो, तो सिग्मा एफ एक्स भी 0 होना चाहिए और सिग्मा एफ वाई भी 0 होना चाहिए, बोथ शुड बी 0। अगर दोनों 0 होंगे तो बॉडी हमेशा ना तो एक्स की तरफ चल पाएगी ना ही वाई की तरफ चल पाएगी। इट मींस
टू रिजॉल्व पार्ट इन द टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स शुड बी इक्वल, या सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ इन जीरो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सम की बात करने वाले हैं रिजॉल्व पार्ट की, जो एक्स की तरफ रिजॉल्व कर रहे हैं और वाई की तरफ रिजॉल्व कर रहे हैं। टू नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान दो क्या कह रहा है, पहली बात तो नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं है और पैरेलल है एक दूसरे के, तो दो फोर्स हैं पैरेलल हो नॉन कोलिनियर और इक्वल फोर्स हैं, तो ये भी एफ है और ये भी एफ है, ठीक है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इस तरह, तो सिंपल सी बात है अगर इनके बीच का डिस्टेंस डी होगा तो दे फॉर्म अ कपल, दैट इज द कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, और कपल ऑफ फोर्स में ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस तो कर लेंगे, मतलब सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा, सिग्मा एफ वाई भी जीरो होगा, लेकिन मूमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, और ये किसके बराबर होगा, एफ इंटू टी, मतलब नॉट बैलेंसेस, द मूमेंट बैलेंस नहीं करता है, केवल केवल क्या है फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टू नॉन कोलिनियर को पैरेलल इक्वल और अपोजिट जो डायरेक्शन के फोर्सेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या चीज बताओ, एक कपल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, एक कपल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वो कॉन्स्टिट्यूट जो करते हैं कपल वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ये फायदे वाली चीज है, ठीक है ना, बैलेंस नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट अ मूवमेंट ऑफ कपल, तो वो सब चीजें भी जरूरी है, कॉन्स्टिट अ मूवमेंट ऑफ कपल, लेकिन कपल को ज्यादा प्रियोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू द मूवमेंट ऑफ कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, देखो दो थ्योरम्स होती है, एक होती है वेरेगनेंस थ्योरम और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो वेरेगनेंस थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में फर्क है। जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है उसका एक कॉन्सेप्ट यह है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एक्चुअली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी फोर्सेज को प्लेनर फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का जो मूवमेंट होना चाहिए, नेट मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब एलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस और कोप्लेनर फोर्सेस, सभी कोप्लेनर फोर्सेस का मूवमेंट पर्टिकुलर एट अ पॉइंट किसी एक बिंदु पर क्या होना चाहिए बता, जीरो के बराबर हो, तो समझ जाओ कि वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ें, तो इफ पहला ऑप्शन देखो सब लोग, इफ पहला ऑप्शन है इफ इफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम एंड देयर एल्जेब्रिक सम इज जीरो, तो कोप्लेनर सिस्टम इक्विलिब्रियम है अगर एल्जेब्रिक सम जीरो, तो फोर्स को जीरो करने से कभी भी हमें नहीं मिलता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, नाम से पता चल रहा है मूवमेंट है, तो इफ द सिस्टम कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट देयर एनी पॉइंट इन द प्लेन इज जीरो। ठीक है, अब अगला बोला गया एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एनी टू फोर्सेस, दो फोर्स की तो बात नहीं कर रहे ना, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है बताओ, बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे अगर उनका एल्जेब्रिक सम उनके मूवमेंट्स का किसी पॉइंट पर जीरो के बराबर हो जाए तो हमेशा उसको इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि सिग्मा एम इट इज इक्वल टू जीरो। 30 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, अब मूवमेंट हमारा क्या है बताओ, मूवमेंट सिंपल सी बात है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है और फोर्स भी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो सिंपल सी बात है मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेट। अच्छा, वेट के लिए कॉन्फ्लिक्ट है, वेट फोर्स ही होता है तो उसे भी वेक्टर बोलना चाहिए, लेकिन वेट के साथ ये फिक्स हो गया है कि इसका मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, अगर हम मैग्नीट्यूड बदल देंगे तो वेट बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स होगी, तो एक तरह से कह सकते हैं नॉट डिपेंड, मतलब अगर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है
और अगर 4 किलोग्राम का ब्लॉक है तो वेट नीचे ही लगेगा दोनों का, बट ये होगा 20 न्यूटन का और ये होगा 40 न्यूटन का। तो वेट का मैग्नीट्यूड बदल गया तो वेट बदल गया, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्शन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच डिफाइंस द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वी कैन से दिस कि वेट, अच्छा मास और वेट का कंपैरिजन किया जाए तो कौन स्केलर कौन वेक्टर, उस समय पर वेट को हम वेक्टर बोल देते हैं क्योंकि मास के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसका, है ना। तो कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि वेट और मास की साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि वेट और इन सब के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों ने समझा कि 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, 1 to 30 क्वेश्चन कवर किए मैकेनिक्स के, और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश करी है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप एक जो लोग इस कोर्स को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग फ्री इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दिया है, टेलीग्राम चैनल है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करें, शेयर करें लोगों तक जिससे कि सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सके। देखो प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ होती है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, समझ में आया ना, वो खुद क्वेश्चन तो ले जाती है उसके साथ साथ डीमोटिवेशन देती है, एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करने देती। तो जब भी तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन दिक्कत वाला है या ये क्वेश्चन है, कभी भी दिखे तो उसको इग्नोर मत करो, ठीक है ना, हमेशा उसको करो। डाउट आता है हमसे पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, जो भी तुम्हें बता सके उसका आंसर सोल्यूशन, तो उसे जरूर सॉर्ट आउट करो, कभी भी उस क्वेश्चन को इग्नोर मत करो, ठीक है ना। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, सब लोग ध्यान रखें एक बात को कि कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, डोंट इग्नोर द क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को करो ही करो, चाहे जैसे भी करो, ठीक है ना, आंसर आना चाहिए। अगर उस समय क्लियर होता है तो वो कंटेन करता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जो तुम्हारे हमेशा परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग लेके आएंगे, जिनको फुल कोर्स चाहिए वो लोग इनरोल करें, और बहुत ही कम अमाउंट में मैं आर्केजन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। और अभी ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग तो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, तब वहाँ पर डिस्कशन और अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। अभी भी मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, वेक्टर स्केलर तो समझ रहे होगे, इसमें बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि क्या सर अभी तो बहुत आसान से क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं उसको कवर कर रहा हूँ बिकॉज कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सब लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कुछ थे। तो जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ, और लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, और एक सबसे जरूरी बात है सब लोग आखिरी तक वीडियो देखा करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि लोग कितना ज़्यादा चीज़ों को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है या कुछ भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है आपको, कमेंट बॉक्स से बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और बेस्ट से बेस्ट बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।